हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिपकार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर पर। आप जो आज स्टेबलाइजर देख रहे हैं, ये एसी में यूज़ होने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो कि लिपकार्ट कंपनी का बनाया हुआ है। इसकी कैपेसिटी 4 kVA है और इसके वर्किंग वोल्टेज 130 से लेकर 280 वोल्ट तक है। आइए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, सबसे पहले से चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्टेबलाइजर हमारा ऑन हो रहा है बट ये आउटपुट बाहर नहीं निकल रहा है। इसमें जो फॉल्ट है वो ये है कि ये आउटपुट ऑफ किया हुआ है। इसे चेक करते हैं। ये देखिए, हमने इनपुट इसे दे रखा है बट ये आउटपुट बिल्कुल नहीं निकाल रहा है और किसी प्रकार का इसमें कोई वर्किंग नहीं हो रहा है। तो ये देखिए फॉल्ट शो कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसे मेन लाइन से डिस्कनेक्ट करके इसका कवर ओपन करेंगे ताकि इसका सर्किट चेक किया जा सके। ये देखिए, कवर इसका ओपन किया और इसमें जो सर्किट है फॉल्ट इसी में है, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इसका सर्किट बाहर निकालते हैं ताकि सर्किट चेक किया जा सके। ये देखिए, सर्किट हमने बाहर निकाल लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस बोर्ड में ये प्रिंट बीच में से ब्रेक है। ये देखिए, सर्किट हमारा ब्रेक है, यहाँ से बस्ट हो चुका है जिससे करंट आगे नहीं जा रहा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस प्रिंट को दोबारा से रेडी करेंगे, यानी कि इसे किसी वायर की सहायता से सोल्डर करेंगे। ये ट्रांसफार्मर की टिपिंग्स हैं जो कि रिले के पॉइंट्स पर लगी हुई हैं, वो प्रिंट ये बस्ट हो चुका है। इससे ट्रांसफार्मर की टिपिंग्स कनेक्शन रिले के पॉइंट से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट बाहर नहीं निकल रहा है। अब सबसे पहले हम इन प्रिंट्स को दोबारा से जोड़ेंगे। जब प्रिंट हमारा जुड़ जाएगा उसके बाद इसे चेक करते हैं। तो आइए प्रिंट को जोड़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्रिंट हमने सही कर लिया है। अब इसे चेक करते हैं। सबसे पहले सारे जैक्स वगैरह दोबारा से अच्छे से लगाएंगे, जहाँ से निकाले थे वहीं पर सारे जैक्स वगैरह लगाएंगे। ये देखिए, अब सबसे पहले हम इसे सीरीज में कनेक्ट करके चेक करेंगे कि देखिए, जैसे ही हमने सीरीज में लगाया, ये फुल सीरीज दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा शॉर्ट हो रहा है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये फॉल्ट कहाँ पर है जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो रहा है, यानी कि प्रिंट वगैरह जो उसके पहले बस्ट हुआ था वो इसी वजह से बस्ट हुआ था कि कहीं पर आगे फॉल्ट है। अब इसके लिए हम सबसे पहले रिले को बाहर निकालेंगे। ये इनपुट रिले हैं, प्रिंट इसी का बस्ट हुआ था तो पहले इसी को चेक करेंगे। अब ये चूँकि सील्ड रिले है तो फिर ऐसे चेक नहीं हो पाएगी, इसके लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। इससे रिले तो हमारी ख़राब होगी बट हमें फॉल्ट मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए, इसे प्लास्टिक इसका हटाते हैं ऊपर से, जो कवर दे रखा है वो तोड़कर इसे
हटा लेंगे, इससे हमें इसका फॉल्ट मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि रिले कवर हटाने के बाद इसका फॉल्ट मालूम पड़ेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिले के दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हैं, यानी कि इसका जो पॉइंट बिल्कुल डैमेज हो चुका है और इसने रिले के दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट कर रखे हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट हो रहा था। अच्छे से देख लीजिए इस रिले को। अब हम एक नई रिले लेकर इसे पुरानी रिले से रिप्लेस कर देंगे। सेम कैपेसिटी की रिले लेंगे, 24 वोल्ट 30 एम्पियर। इसे अच्छे से इंस्टॉल कर देंगे और प्रिंट दोबारा से जोड़ देंगे। ये देखिए, प्रिंट हमने दोबारा से जोड़ दिया है, रिले भी दूसरी लगा दी है। अब इसे एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, पहले सीरीज में इसे चेक करेंगे। ये देखिए, सीरीज में लगाने पर ये शॉर्ट नहीं बताया इसने। अब इसे बैक पर लगा कर इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए, इसने आउटपुट निकालना शुरू कर दिया और ये फंक्शन अपना ठीक कर रहा है। 200-250 वोल्ट के बीच में आउटपुट निकाल रहा है। ये देखिए, लेफ्ट हैंड वाला मीटर हमारा इनपुट दिखा रहा है और राइट हैंड वाला मीटर ऊपर की साइड में हमारा आउटपुट दिखा रहा है। यानी अब स्टेबलाइजर हमारा बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है। अब इसे किट को अच्छे से दोबारा से फिट कर देते हैं, पेच वगैरह सारे कस देते हैं, अच्छे से पेच कस देंगे ताकि लूजिंग ना रहे किसी प्रकार की।